नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस या अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ऐसी नई नई वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज की जो हमारी स्लाइड है, आज की जो हमारी वीडियो है, वो कैसे है, वो विलोम शब्दों पर आधारित है। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वह शब्द होते हैं, ठीक है, जो किसी के बारे में नकारात्मकता के बारे में बताते हैं। मान लीजिए कोई एक शब्द दे रखा है सुख, तो सुख का जो निगेटिव यानी कि नकारात्मक होगा वो होगा दुख, ठीक है। तो इस प्रकार से विलोम शब्द क्या है? किसी भी सकारात्मक शब्द का नकारात्मक अर्थ जो प्रदान करते हैं या उसका उल्टा, क्या किसी सकारात्मक का उल्टा जो अर्थ प्रदान देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो आज की जो स्लाइड है हमारी वो विलोम शब्द पर ही आधारित है। तो शुरुआत करते हैं इसके सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। साकार दे रखा है, साकार मतलब जिसका कोई आकार होता है, ठीक है। तो साकार का तो आकार तो होगा नहीं, साकार का आकार होगा नहीं। विकार मतलब दुर्वसन होता है, विकार भी नहीं होगा। प्रकार मतलब टाइप, ये भी नहीं होगा यानी कि बहुत सारे उसके रूप। साकार का मतलब होता है निराकार, साकार जिसका कोई आकार है, जिसका कोई फ्रेम है, उसे हम साकार बोलते हैं। निराकार जिसका कोई भी आकार नहीं है, यानी कि पहले का सही आंसर जाता है आपका डी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। योगी, योगी कौन होता है? योगी वह व्यक्ति होता है जिसने सारी चीजों का त्याग कर दिया है, जो क्या है, तपस्या करने के लिए निकल गया है, ठीक है, उसे कहते हैं हम योगी। योगी का जस्ट अपोजिट होता है भोगी, ठीक है, भोगी। भोगी मतलब भोग करने वाला, योगी मतलब विरक्त, जिसने चीजों को त्याग कर दिया है। भोगी उसका उल्टा होगा यानी चीजों का उपयोग करने वाला। तो दूसरे का बी आंसर सही है। योगी का मतलब योगी शब्द कहते हैं ब्रह्मचारी से, और भोगी का मोह में फंसे व्यक्ति से संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर तीन लिखा हुआ है दुर्जन का। दुर्जन का क्या होता है? दुर्जन मतलब बुरे लोग। तो बुरे लोग का पर्यायवाची, सॉरी, बुरे लोग का जो विपरीत अर्थ होता है वो क्या होता है? सत्जन, सज्जन। सज्जन का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे, सज्जन का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन जन। सत माने अच्छा, जन माने लोग, जो लोग अच्छे हैं उन्हें सज्जन कहा गया है। तो तीसरे का सही आंसर कौन सा है? बी, सज्जन। सुजन, सज्जन, परिजन, साजन, तो सही आंसर है इसमें बी, ठीक है। दुर्जन का पर्यायवाची, सॉरी, विलोम क्या है? सज्जन। लिखा हुआ है कृपण। कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? कृपण कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है? कंजूस होता है, ठीक है। कृपण कौन सा होता है? बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति को कहा जाता है। परोपकारी, जो बहुत ज्यादा दयालु होता है। दानी, जो बहुत ज्यादा दान करने वाला होता है। कृपण का क्या होगा? कृपण का दानी, कृपण, कृपण का दानी, ठीक है। कृपण मतलब जो किसी को देने में संकोच करे। दानी वह व्यक्ति जो किसी को भी देने में संकोच ना करे। पांचवा लघिमा का उपयुक्त। देखो लघिमा का मतलब होता है छोटा। लघिमा का यदि हम बात करेंगे तो लघिमा का होता है आपका गुरुत्व, ठीक है। लघिमा का, सॉरी, लघिमा का होगा आपका गरिमा, ठीक है। लघिमा का सही आंसर क्या होगा? गरिमा, ठीक। पांचवे का डी, लघिमा का उपयुक्त विलोम क्या है? गरिमा। क्वेश्चन नंबर छह लिखा हुआ है परोक्ष। परोक्ष का उपयुक्त क्या होगा? विपक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा, उत्कर्ष होगा, अपकर्ष होगा। परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष, ठीक है। परोक्ष मतलब जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष जो आपकी आंखों के सामने है। सिक्स का बी। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द चुने। निकृष्ट, निकृष्ट का होता है आकृष्ट, ठीक है। अब जरा देखते हैं निकृष्ट का कृतज्ञ, कृतज, उत्कृष्ट या निष्पक्ष। देखो निकृष्ट दे रखा है, सॉरी, निकृष्ट मतलब जो एकदम निचले स्तर पर है, तो इसका होगा उत्कृष्ट। सही आंसर होगा उत्कृष्ट, सी, सेवेंथ का सी। निकृष्ट मतलब निम्नतम स्तर का, उत्कृष्ट मतलब उच्चतम स्तर का।
सेवेंथ काशी आठ लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द चुने, अनुकूल का क्या होगा? अनुकूल मतलब जो आपके पक्ष में है, जो आपके फेवर में है, इसका उल्टा होगा प्रतिकूल। ठीक है, क्या होगा? प्रतिकूल। आठवें का सही आंसर क्या होगा? प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल का सही आंसर क्या है? प्रतिकूल होगा। उन्नति, उन्नति मतलब तरक्की करना, आगे की ओर बढ़ना। उन्नति का जस्ट अपोजिट होता है अवनति। क्या होता है? अवनति। ठीक है, अवनति, उन्नति मतलब आगे की ओर तरक्की करना, अवनति मतलब पीछे की ओर भाग जाना। तो सही आंसर नाइन्थ का सी। टेंथ, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? जड़ का जो है आपका, जड़ मतलब कहते हैं जिसमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो एकदम मूर्ख है, उसे जड़ बोलते हैं। जड़, पेड़, पहाड़, संसार, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तीनों यहां पर गलत हैं। सही आंसर क्या होगा? जड़ का पर्यायवाची है चेतन। जड़ का पर्यायवाची कौन सा है? चेतन। ठीक है, टेंथ का सी। इलेवेंथ, साकार का विलोम शब्द क्या होगा? साकार, थोड़ी देर पहले हमने बात की, साकार जिसका कोई आकार है, साकार का क्या होता है? निराकार। साकार का क्या होगा? आपका निराकार इसका विलोम शब्द होगा। सही आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, विलोम चुने, स्थावर। सही है, स्थावर का क्या होता है विलोम? स्थावर मतलब जो एक जगह पर स्थित है, जो इधर उधर नहीं भटकता, ठीक है, उसे स्थावर बुलाता है। इसका विलोम जो होता है वो होता है जंगम। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम। जंगम मतलब जो दुर्लभ है, जो इधर उधर भटकता रहता है, उसे हम जंगम बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ अस्थिर से संबंधित होता है। स्थावर जो स्थिर है, और जंगम कैसा है? आपका अस्थिर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अब तिमिर का क्या होगा? तृष्णा होगा, ऊषा होगा, प्रकाश होगा, इनमें से कोई नहीं। तो तिमिर का अर्थ है अंधकार, और प्रकाश का मतलब है उजाला। यानी 13 का सी आंसर सही है। 14, नीचे लिखे शब्दों में से दिए गए शब्द का विलोम चुने। अवनति का क्या होगा? अवनति को होगा उन्नति। ठीक है, अवनति मतलब नीचे की ओर गिरना, उन्नति मतलब ऊपर की ओर उठना। तो अवनति का क्या होगा? उन्नति। सही है, 14 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 15, सुबोध, सुबोध शब्द का विलोम सुने। सुबोध का क्या होगा? कुबोध होगा, दुर्बोध होगा, दलित होगा, पतित होगा। सुबोध मतलब जिसको अच्छा ज्ञान है। ठीक है, तो सुबोध का क्या होगा? कुबोध होगा, दुर्बोध होगा, दलित होगा या पतित होगा। तो दलित और पतित तो होगा नहीं, दलित और पतित तो होगा नहीं, इसका होगा दुर्बोध। कुबोध भी इसका सही आंसर नहीं है। क्या होगा? दुर्बोध। 15 का सही आंसर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। गमन, गमन का मतलब होता है जाना। गमन का शाब्दिक अर्थ होता है जाना। तो जाना तो इसका विलोम होगा नहीं, उतरना भी नहीं होगा। आगमन का मतलब होता है आना। तो सही आंसर क्या होगा? 16 का सी, आगमन। गमन का आगमन सही आंसर होगा, चढ़ना भी इसका सही आंसर नहीं है। 17, ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब कोई काम आपके लिए जो है आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप करें या ना करें, वो बोला जाता है ऐच्छिक। ऐच्छिक का जो पर्याय क्या कहते हैं विलोम होता है, वो होता है अनिवार्य। ठीक है, ऐच्छिक का क्या होता है? अनिवार्य, आपको क्या है करना ही होगा। स्वैच्छिक ऐच्छिक का ही पर्यायवाची है। वैकल्पिक भी कहीं ना कहीं ऐच्छिक की ओर इंगित करता है, और मौखिक, लिखित, इसके पर्यायवाची विलोम होंगे। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऐच्छिक का अनिवार्य। 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, विकर्षण। ठीक है, विकर्षण मतलब किसी के प्रति जो है आपकी चाह नहीं है, उसे विकर्षण बोलते हैं। इसका जो उल्टा होता होता है आकर्षण, किसी के प्रति आकर्षित होना, उसे हम बोलते हैं आकर्षण। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 18 का बी, विकर्षण का आकर्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अनुराग का क्या होगा? ठीक है, अनुराग का पराग होगा, राग होगा, विराग होगा, सुराग होगा। अनुराग मतलब किसी के अंदर डूबे रहना, किसी के अंदर आसक्ति, वो बोला जाता है अनुराग।
तो अनुराग का जो पर्यायवाची सॉरी जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका विराग। अनुराग का क्या होगा? विराग। सही आंसर यहाँ पर सी, अनुराग का क्या होगा? विराग यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लिखा हुआ है उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? ठीक है, उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब ऊंचाई की ओर उठना, अपकर्ष मतलब पतन की ओर जाना। 20 का सही आंसर क्या होगा? अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष 20 का सी। 21, भीषण का विलोम शब्द क्या है? भीषण, भीषण का जो होगा वो होगा आपका सौम्य। ठीक है, मधुर, सरल और साधारण। ठीक है, तो सही आंसर इसमें जाएगा आपका ए, यानी कि सौम्य। भीषण का क्या होगा? सौम्य। भीषण का उचित विलोम शब्द क्या है? आपका सौम्य होगा, सौम्य सही आंसर है। 21 का ए। 22, उत्कर्ष का फिर से क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। उत्कर्ष का सही आंसर क्या होगा? अपकर्ष होगा। 23, अर्जन, अर्जन का क्या होगा? अर्जन मतलब इकट्ठा करना, कमाना। अर्जन का वर्जन नहीं होता ना वर्जन होता, ये दोनों शब्द गलत हैं। अर्जन का व्यय और त्याग, अर्जन मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, व्यय मतलब इसका सही आंसर होगा। 23 का सी, व्यय यहाँ पर सही आंसर, सॉरी 23 का डी बताया गया है। अर्जन का अर्थ होता है स्वीकार करना, ग्रहण करना, तथा इसका विलोम होगा त्यागना। ठीक है, आय का व्यय होगा, सॉरी ठीक है, इसका व्यय का पर्यायवाची क्या होगा? सॉरी विलोम क्या होगा? आय होगा। तो आय का जो विलोम अर्थक होगा वो व्यय होगा, और अर्जन का क्या होगा? त्याग होगा। 23 का डी। 24, तिमिर, तिमिर का फिर से आ गया है। तिमिर का प्रकाश होगा, शीतल होगा, सात्विक होगा, रश्मि होगा। तिमिर का क्या होगा? तिमिर का सही आंसर होगा प्रकाश। तिमिर मतलब अंधकार, ठीक है, और प्रकाश मतलब उजाला। सही है जी, तिमिर का क्या होगा आपका जो होगा प्रकाश या उजाला। अंतिम क्वेश्चन, रंगीन का क्या होगा? ठीक है, रंगीन जिसमें बहुत सारे रंग भरे हुए हैं, रंगीन का रंगहीन, बेरंग, रंगहीन, सफेद। तो रंगहीन तो होगा नहीं, बेरंग भी नहीं होगा, रंगीन का होता है सफेद। ठीक है, रंगीन का होता है सॉरी रंगीन का रंगहीन, ये ठीक है, सॉरी सफेद जो होगा वो होगा श्याम का उल्टा या काले का, काला का उल्टा सफेद होगा, जबकि बेरंग नहीं होगा, रंगहीन नहीं होगा, रंगहीन सही आंसर है। सही है, 25 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, रंगहीन। तो 25 का सही आंसर क्या हुआ? रंगीन का रंगहीन। ठीक है, विलोम सब शब्दों को जोड़ कहा जाता है जिनके अर्थ एक दूसरे से विपरीत होते हैं, इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे राजा और रंग। तो रंगीन का रंगीला और इसका रंगहीन यानी कि बेरंग, यानी कि सही उत्तर क्या होगा? रंगहीन होगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि विलोम शब्द से संबंधित थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थोड़ा अभी समय का अभाव है, वरना अभी 50 क्वेश्चन और हैं हमारे पास जो कि विलोम शब्द से संबंधित हैं। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे 50 और क्वेश्चन जो कि विलोम शब्द से संबंधित होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।